नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। खबर लखनऊ से है जहां यूपी को दंगा मुक्त बनाने के लिए सरकार लगातार कई कोशिशें कर रही है। आपको बता दें कि अभी एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी दंगा मुक्त हो गया है। साथ ही सीएम योगी सरकार के सख्त प्रशासनिक छवि से जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बच्चे और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी कमी आई है। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता विभांशु। विभांशु, एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी अब पूरी तरीके से दंगा मुक्त हो चुका है योगी सरकार में। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर विपक्ष भले ही हमलावर हो, मगर एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं। आज एनसीआरबी का डेटा आया है जिसमें यूपी को क्राइम कंट्रोल में योगी मॉडल का जो रूप है वो साफ तौर पे नजर आते हुए दिख रहा है। सांप्रदायिक हिंसा से लेकर बच्चे महिलाओं की सुरक्षा तक, इन सभी मोर्चों पर योगी सरकार को एनसीआरबी के डेटा से राहत मिली है। अब उत्तर प्रदेश में महिला बच्चे योगी राज में किस कदर सेफ है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। साल 2019 की तुलना में 2021 अभी चल रहा है, तो यहाँ से अगर बात करें तो एक दो नहीं बल्कि तीन नहीं क्रमशः 6 से 11% कमी आई है। वही आपको बताएं कि योगी राज में कहा जा रहा है एनसीआरबी के रिपोर्ट के आधार पर कि महिला और बच्चे पूरी तरह से सेफ है। वहीं अगर बात की जाए तो 2019 से अगर तुलना की जाए तो महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों में बड़ी कमी देखने को मिली है। वहीं अगर बात की जाए तो 2019 की तुलना में 2021 में अगर तुलना की जाए तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में 6.2% का जो ग्राफ है वो कम हुआ है, और वहीं बच्चों के खिलाफ हुए अपराध में लगभग 11.11% अपराध कम हुए हैं। और वहीं एनसीआरबी के मुताबिक साल 2019 में यूपी में बच्चों के खिलाफ लगभग 18,943 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि अगर बात की जाए 2021 की तो 16,838 हो गई है। वहीं अगर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और हिंसा की बात की जाए तो आपको बताएं कि 2019 में लगभग 60,853 मामले दर्ज किए गए थे, तो वहीं अब इसमें कमी आते हुए 2021 में 56,083 मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट से योगी सरकार में महिला और बच्चे सुरक्षित नजर आ रहे हैं और प्रदेश एनसीआरबी के रिपोर्ट के आधार पर दंगा मुक्त नजर आ रहा है। जी नंदनी, विभांशु ये भी आया है कि आम जनमानस योगी सरकार के सख्त प्रशासनिक रवैये से अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। जी बिल्कुल, अगर बात किया तो हाल ही में अगर देखें तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कूलों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके और सिविल रेस में महिला जो कांस्टेबल हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, ये साधारण वर्दी में पहुंचकर मंचलों पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि रोमियो स्क्वाड के तहत बाजार, स्कूल और तमाम जगहों पर निगरानी रखने की बात कही गई है और इसमें पुलिस प्रशासन तत्परता के साथ काम करते हुए नजर रहा है। और वहीं अगर बात की जाए तो सीएम योगी के कार्यकाल में जो प्रदेश को दंगा मुक्त का सम्मान मिला है, इसमें बच्चे और महिलाओं की जो क्राइम रेट है उसमें घटोतरी को लेकर सम्मान मिला है। वहीं अगर देखें तो विपक्ष शुरू से ही हमलावर रहा है, चाहे बात की जाए हाथरस की घटना की, चाहे बात की जाए आपके उन्नाव की घटना की, तो इन सभी को दलील देते हुए अपने विधानसभा चुनाव में देखा था कि बच्चों के साथ हो रहे हिंसा और महिलाओं की असुरक्षा को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था। कहीं ना कहीं ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष को एक जो उनके सवाल थे उसका जवाब मिला है। ऐसे सरकार के जो प्रदेश प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी थे उनके मुंह पे ये तमाचा है एनसीआरबी की रिपोर्ट। जी नंदनी, धन्यवाद आपका इतनी जानकारी देने के लिए हमें। खबर गाजियाबाद से है जहां मनीष सिसोदिया ने सीबीआई जांच पूरी होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि जन्माष्टमी वाले दिन कुछ सीबीआई वाले मेरे घर पर आकर पत्नी के लॉकर की चाबी लेकर गए थे, जो लॉकर गाजियाबाद के वसुंधरा पीएनबी बैंक में था। आज उसी लॉकर को खंगालने के लिए सीबीआई ने
लॉकर से लगभग कीमती गहने बरामद किए हैं। साथ ही सिसोदिया ने यह भी कहा है कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने पीएम पर आरोप लगाया, कहा प्रधानमंत्री मुझे जेल भेजने की डालने की साजिश कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया लगभग यहाँ पर चौके पहुँच चुके हैं वसुंधरा सेक्टर 4 के पीएनबी बैंक में। हमारे पीछे ही पीएनबी बैंक है जहाँ पर मनीष सिसोदिया और सीबीआई की टीम अंदर पहुँच चुकी है, क्योंकि लगभग पहले ही मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि मनीष सिसोदिया पूरा कॉपरेट करेंगे और सीबीआई को पूरा जांच में सहयोग करेंगे। तो हालांकि लगातार सीबीआई और मनीष सिसोदिया उनकी पत्नी लगातार अंदर बैठे हैं और लॉकर खोला गया है। लॉकर में क्या कुछ दस्तावेज निकल कर सामने आते हैं वो महत्वपूर्ण होंगे। हम इस वक्त सीबीआई और मनीष सिसोदिया अंदर मौजूद हैं। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरें, हलचल हो रही है अंदर, हलचल हो रही है। लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी और सीबीआई मौजूद है, क्योंकि पहले से 11 बजे का जो समय दिया गया था 11 बजे तो नहीं पहुंचे हैं। हालांकि थोड़ा लेट पहुंचे हैं क्योंकि दिल्ली से उनको आना था, वसुंधरा पहुँचना था उनको। तो अंदर सीबीआई किस तरह से जांच कर रही है ये तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देखिए लगभग सीबीआई अंदर जांच कर रही है और पुलिस प्रशासन भी अंदर मौजूद है। तो किस तरह से लगातार पहले मनीष सिसोदिया के आवास पर जिस तरह से सीबीआई ने जांच की, उसके बाद जांच के बाद लगातार यहां पर सीबीआई वसुंधरा सेक्टर 4 पीएनबी बैंक पहुंची और यहां पर उनके लॉकर की छानबीन की जा रही है। लॉकर के अंदर में क्या कुछ दस्तावेज हैं उनको खंगाले जाएंगे। हालांकि लॉकर में पहले से आकलन लगाया जा रहा था कि लॉकर का सहयोग पूरा मनीष सिसोदिया करेंगे। हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से अंदर छानबीन चल रही है और किस तरह से अंदर लॉकर खोला गया है मनीष सिसोदिया द्वारा। उनकी पत्नी भी मौजूद थी, पहले से ही मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दे दी थी कि वो पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि किस तरह से लगातार मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुँचे हैं और लगभग यहाँ पर पहुँचने के बाद अब उन्होंने लॉकर खोला है और लॉकर खोलने के बाद यहाँ पर मनीष सिसोदिया लगभग पूरा सहयोग कर रहे हैं सीबीआई को। गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कमल किशोर की लिखी पुस्तक का विमोचन किया। बता दें कि कमल किशोर पहले भी 4 और पुस्तकें लिख चुके हैं। वहीं इस दौरान अखिलेश ने कहा कि आपकी पुस्तक से हमें सामाजिक आर्थिक लड़ाई लड़ने में प्रेरणा मिलती है। अभी उत्तर प्रदेश में कन्नौज में 2000 पट्टियां पकड़ी गई, 2000 सूची उद्घाटन वाली पट्टियां, जो समाजवादियों का विकास था वो रोक दिया गया। एक अभी जिन डिप्टी सीएम की आप बात कर रहे थे वो काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज का देखने गए। कन्नौज के काऊ मिल्क प्लांट में बिजली नहीं है, वहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, मिल्क प्रोक्योरमेंट के लिए कोई इंतजाम नहीं, किसान का दूध आ जाए कोई भुगतान नहीं और प्लांट को बर्बाद हो जाए उसके लिए तैयारी कर ली है। और साथ ही साथ टेट्रा पैकिंग होती है, उसका प्लांट लगा था, उसका पूरा मटेरियल आ गया था, वो भी सरकार ने बर्बाद कर दिया। खबर गाजीपुर से है जहां सुपासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि अब्बास पर हो रही कार्यवाही के सवालों पर उन्होंने कहा कि कोर्ट जो आदेश दे रही है सरकार उसका पालन कर रही है। साथ ही योगी सरकार के कामकाज के सवाल पर उन्होंने कहा है कि सीएम योगी मेहनती और ईमानदार हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने व्यापारियों को रंगदारी से मुक्ति मिली है, साथ ही व्यापारियों से रंगदारी वसूलने के मामले में 90% कमी आई है। एक सवाल के जवाब में ओपी राजभर ने कहा कि सपा और बसपा भ्रष्टाचार में लिप्त है तो केस दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। मैं व्यापारी वर्ग में वोट मांगने के लिए बैठक शुरू किया, 7 बैठक किया, 7ों बैठक में एक ही बात आई कि हम लोग दुखी हैं सरकार से, लेकिन जाएं कहाँ। एक राहत हम लोगों को मिली है कि मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे और मांग लेते थे, नहीं देते थे तो ले चार झापड़, इससे हम लोगों को छुट्टी मिली है, सहूलियत मिली है। तो पूरे प्रदेश में रंगदारी टैक्स मांगने की जो प्रथा रही है उसमें 90% गिरावट आई है, उसको रुका है। और दूसरी चीज, योगी जी ईमानदार हैं कोई शक नहीं, मेहनती हैं, लेकिन अधिकारी जो है कुछ ऐसे हैं जो योजना बन रही है उसको धरातल पर फेल कर दे रहे हैं।
खबर गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की 4 करोड़ की बनावी संपत्ति कुर्क कर ली है। साथ ही ये संपत्ति मुख्तार के खास करीबी के नाम दर्ज थी। कुर्क की गई संपत्ति जमीन के रूप में थी। वहीं मुख्तार के सहयोगी पर कई मामले दर्ज हैं। खबर शाहजहांपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद ने जिला अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि झारखंड में युवती को जिहादी युवक ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष और अन्य मंत्रियों ने गेट जिहाद का पुतला दहन किया। साथ ही मुस्लिम युवकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। जो अपने पूरे भारतवर्ष में एक लव जिहाद जो फैला हुआ है, उसके विरुद्ध हम लोगों का आज ये पुतला दहन था। लव जिहाद का पुतला दहन किया हम लोगों ने। अभी जल्दी की घटना जो झारखंड के दुमका नामक जगह पर हुई है, अंकिता नाम की एक नाबालिग हिंदू बालिका को एक जिहादी मानसिकता के शाहरुख नाम के लड़के ने पेट्रोल डाल के जीवित जला दिया। हम सब लोग की मांग है कि उस जिहादी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। और ऐसी तालिबानी सोच कहाँ से पैदा हो रही है, क्यों पैदा हो रही है, ऐसी कौन सी किताबें ये सिखाती हैं ऐसी सोच जो पैदा होती है, ऐसे कौन से मदरसे विद्यालय हैं जहाँ पर ये सोच पैदा की जाती है, उनको हम बैन करने की मांग करते हैं, रिस्ट्रिक्शन करने की मांग करते हैं अपनी सरकार से। हिंदू परिषद ने जिलाधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बता दें कि झारखंड से युवती को जिहादी युवक ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष और अन्य मंत्रियों ने गेट पर जिहाद का पुतला दहन किया। साथ ही मुस्लिम युवकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग भी की है। कुशीनगर में 1.5 वर्ष की मासूम के साथ हैवानियत की गई। वहीं दुष्कर्म के बाद बेहोश मासूम को खेत में फेंककर आरोपी फरार हो गया। आपको बता दें कि हैवानियत करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है, जिसके बाद गंभीर हालत में मासूम को संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिनांक 29/8/22 को थाना अंतर्गत बिशुनपुरा सायकाल में अभियुक्त रवि राय उम्र लगभग 22 वर्ष द्वारा एक बच्ची को खिलाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म किया गया। प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजरूह को चिकित्सा के लिए चिकित्सालय भेज दिया गया है। प्रकरण में अन्य समस्त पहलुओं पर समस्त विधिक कार्रवाई की जा रही है। फोरेंसिक यूनिट द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई। खबर सोनभद्र से है, जहां पर मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है। आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए। इसके साथ ही महिलाओं के साथ घटित होने वाले अन्य अपराधों पर कानूनी कार्रवाई के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही बताया गया कि बढ़ते साइबर अपराधों के बारे में जागरूक रहे। यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार होता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। बिजनौर में जमात उल उलमा के हिंद संगठन का कार्यालय खोले जाने पर बैराज रोड के काशीराम कॉलोनी वासियों ने विरोध किया, जिसे नाराज जमात उल उलमा के हिंद संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध करने वाले लोगों पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। इस हमले की वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें जमात उल उलमा के हिंद के लोग कुछ लोगों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मामला बिजनौर के काशीराम कॉलोनी का है। ये रात्रि में 8:30 बजे सैराब मलिक उर्फ चांद और उसके फादर, उसके भाइयों ने और उसकी अम्मा ने धर्मेंद्र गिरी पर हमला किया। पहले जानलेवा हमला किया,
उनको बहुत चोटें आई हैं, उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला किया, फिर वहाँ से उनको मारने के बाद ये लोग मेरी तरफ बढ़े और सब लोग के हाथ में हथियार थे। इन्होंने कहा कि ये सब शिकायत और ये कमरा जो बंद कराया है इसकी शिकायत करी है, ये इन्होंने कराई है, और मुझ पर हमला किया जानलेवा, पथराव किया, बहुत तगड़ा पथराव हुआ और गाली देते उन्होंने बात करी, गाली देते देते उन्होंने हाथा पर मेरे ऊपर चालू कर दी, और उसके और जो साथी थे 6-7 जने और भी थे उन्होंने भी आ गए और मुझे धार जार चीज दे थी जो मेरा मारनी शुरू करी और पथराव भी शुरू करा सर मेरे साथ। क्या आपने इसकी सूचना फिर पुलिस को दी? मैंने सर ये सूचना पुलिस को दी थी लेकिन अभी तक उसको कोई खास कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो सर। कांसीराम कॉलोनी में कल एक विवाद हुआ जिसमें सहराब मलिक नामक व्यक्ति धर्मेंद्र गिरी से झगड़ा हुआ। दोनों लोग अलग अलग ब्लॉक में रहते हैं। सहराब मलिक के ही ब्लॉक में एक मकान खाली था जिसमें कब्जे को लेकर यह प्रयासरत था। उसी संदर्भ में कल विवाद हुआ, इनमें मारपीट हुई जिसमें धर्मेंद्र गिरी को चोट आई। 5 लोगों के विरुद्ध धर्मेंद्र गिरी की तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया गया है जिसमें एक अभियुक्त सहराब मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। खबर सिद्धार्थनगर से है जहां पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अभियुक्त आरोपियों पर कार्रवाई की गई। बता दें कि अब तक 36 अभियुक्तों को सर्च ऑपरेशन कर गिरफ्तार कर चुका है। वहीं सभी अभियुक्त न्यायालय से वारंट पर हैं, जिसकी जानकारी क्षेत्राधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 29 और 30 की रात में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रों में 7 वांछित और 36 वारंटियों की गिरफ्तारी हुई है। उनको गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अलीगढ़ से है जहां वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। बता दें कि लकड़ी भरा ट्रक बिना किसी जांच के वापस कर दिया। इससे पहले भी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन्हें बर्खास्त किया जा चुका है, तो वहीं पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं। बात बताता हूँ मैं, विनय कुमार यादव जो थे, मैंने अभेद कटान पे इनको कॉल करके बुलाया उनको वहाँ पे। विनय कुमार यादव कौन है? विनय कुमार वन विभाग के अधिकारी हैं। उन्हें वहाँ पे उन्हें बुलाया मैंने, उनको ऐसे ऐसे कटान होते हुए दिखाया, उनको रे झूठ बोल रहा है तू। मैंने कि आओ यहाँ पे, मैंने कॉल लगाई उन पे, फिर उनको कॉल लगा के मैंने उस जगह पे दिखाया मौजूदा लकड़ी का कटान पाया, ट्रैक्टर भरा हुआ था और लकड़ी पड़ी थी वहाँ पे। अब मैंने उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करी, मैंने वीडियो बनाई उनकी, वीडियो बनाते हैं इससे बोलते ही वो बोलने की तूने कहीं पर इस पर वीडियो कहीं पर डाली, तुझे हिरन के केस में फंसा देंगे हम। हरदोई में गैंगस्टर एक्ट के शातिर अपराधी की 52 लाख की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली है। वहीं आरोपी पर जान से मारने के प्रयास और अवैध असलाह के 3 मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट गैंग बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। कुमार जो है ये शातिर अपराधी है, इसके द्वारा ये जनपद लखनऊ का रहने वाला है और यहाँ मलावा में हमारे जनपद में इसके द्वारा लूट और 420 के कृत्य किए गए गैंग बनाकर, जिसके संबंध में विगत वर्ष थाना मल्लावा में गैंगस्टर एक्ट इसके और उसके साथियों के विरुद्ध कायम किया गया था। इसके बारे में और छानबीन करने पर यह ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा लखनऊ में एक प्लॉट और एक कार खरीदी गई है इसी अपने अवैध कृत्यों से, जिसका कि आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था। इसी क्रम में DM हरदोई द्वारा इसके प्लॉट और कार को कुर्क करने का आदेश दिया गया था, जिसको पुलिस द्वारा कुर्क किया गया है। इन दोनों प्लॉट और कार की मूल्य लगभग 52 लाख रुपए है। खबर लखीमपुर खीरी के ग्राम मलंगा से है जहां युवक ने आत्महत्या कर ली। वहीं घर में पत्नी और बेटे का शव बंद कमरे में मिला है। आपको बता दें कि मृतका के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे का ताला तोड़वा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। बाद में ज्ञात हुआ कि इस व्यक्ति की दूसरी पत्नी एवं 10 वर्षीय पुत्र अपने घर में मृत अवस्था में मिले हैं और बाहर से घर में ताला लगा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय एवं मेरे द्वारा फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।
आसपास के ग्रामवासियों से एवं परिवारजनों से वार्ता की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस व्यक्ति ने घरेलू कलह के कारण अपनी पत्नी एवं अपने पुत्र की हत्या करने के बाद खेत में जाकर पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली है। खबर कानपुर से है जहां तीज के पर्व पर सुहागन महिलाएं अपनी सुहाग के दीर्घायु के लिए इस दिन उपवास रखती हैं। आपको बता दें कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। वहीं तीज व्रत सब व्रतों की अपेक्षा कठिन माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस बार तीज 2 दिन मनाई जाएगी। वहीं हरतालिका तीज के पर्व को लेकर बाजारों में रौनक है, जहाँ पर महिलाएं तीज के पूजन की सामग्री को खरीदते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, करीब 21 सालों से कंटिन्यूस ये हरतालिका तीज में सुहागी औरतों को सुहाग का सामान बांटा जाता है। जो मंदिर में सुहाग का सामान चढ़ता है, साल में एक बार ये प्रथा चली आ रही है, ये सुहाग का सामान बांटा जाता है। और कुंवारी लड़कियों के लिए मेहंदी लगाई जाती है और माता की कृपा से साल भीतर में उनकी शादी हो जाती है। ये यहाँ पे जो है हरतालिका तीज के दिन कन्याओं को मेहंदी लगाई जाती है और ये माता का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त होता है कन्याओं को कि एक वर्ष के अंदर उनका विवाह पक्का हो जाता है। तो इसलिए जो है मेहंदी बहुत फलीभूत है, इसीलिए सब कन्याएं यहाँ पे दूर दूर से मेहंदी लगवाने के लिए आज के दिन आती हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो